हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी बोले, कांग्रेस ने संस्थाओं को बर्बाद किया। रोहिणी बोली, कांग्रेस आपकी तरह प्रेस को धमकाती नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक ब्लॉग लिखकर कांग्रेस को वंशवादी पार्टी बताते हुए उस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि वंशवाद की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान संस्थाओं को हुआ है। प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक, सोलर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी भले ही अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में उनकी सरकार भी पीछे नहीं दिखी। सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आरबीआई बनाम मोदी सरकार के मामले में भी तूल पकड़ा। सीबीआई दफ्तर की उठापटक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी के ब्लॉग पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी बाकी संस्थाओं का तो पता नहीं, लेकिन प्रेस के बारे में जरूर बोल सकती हूँ। यूपीए के टाइम पर सरकार या किसी भी नेता के खिलाफ लिखने पर फोन नहीं आता था, यह कहते हुए कि आपकी चिंता होती है। प्रेस को मॉनिटर करने के लिए 200 लोगों की टीम नहीं होती थी। सरकार प्रेस को धमकाती नहीं थी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, वंशवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां कभी भी स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया सबसे पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक लगाने के लिए ही था। फ्री प्रेस की पहचान यही है कि वो सत्ता को सच का आईना दिखाए, लेकिन इस अश्लील और असभ्य की पहचान देने की कोशिश की गई। यूपीए के शासनकाल में भी ऐसा नहीं देखने को मिला, जब वह एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके मुताबिक अगर आपने कुछ भी अपमानजनक पोस्ट कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यूपीए के ताकतवर मंत्रियों के बेटे के खिलाफ एक ट्वीट भी निषोध आदमी को जेल में डाल सकता था। कुछ दिनों पहले ही देश ने उस डर के साए को देखा है, जब कुछ युवाओं को कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह की धमकी से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। अगर वह जबरदस्ती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करेंगे, तब भी कांग्रेस को लेकर लोगों की धारणा नहीं बदलेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।